गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने वाली ताकतों का साथ दिया है। कांग्रेस धोखे की राजनीति करती आई है। कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन सामने आया है। हाथरस संयोग नहीं, एक प्रयोग था। कांग्रेस को दलित की नहीं, दल हित की चिंता है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश को जातियों में बांटा है। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ रहा है। उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के गुरु को उनका नमन है। उन्होंने राहुल को पढ़ाया है। इतनी अच्छी नस्ल के ये आते कहां से हैं? कमलनाथ पर पथराव होने पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है, जहां चुनाव होता है। अभी तक वो इस प्रकार के हमले करा रहे थे, ये कांग्रेस स्पॉन्सर से प्रेरित हुआ लग रहा है। कांग्रेस ने सस्ती लोकप्रियता के लिए खुद ही हमला करवाया होगा। वे बीजेपी पर आरोप ना लगाए। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, इनको दलित की चिंता नहीं है। कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिसने इनको पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का ये नशा लाते कहाँ से हैं, यही समझ में नहीं आई मेरे को। तो देखो, पहली बात तो वहाँ जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है जब कहीं आचार संहिता लग जाती है तो। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में स्पष्ट निर्देश है। और भाजपा का नाम न लें कृपा करके, अभी तक वो ही ऐसा करा रहे थे। कांग्रेस के द्वारा रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्रामों से ही किसी ने प्रेरणा ली होगी और ऐसा ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने को करा भी सकते हैं। स्वयं ही ऐसा करवा लें अपने लोगों के द्वारा। टिकाऊ और टिकाऊ वाले मुद्दे पर मिश्रा ने कहा कि जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी वो उसी में उलझ रहे हैं। अपने बनाए जाल में कमलनाथ खुद ही उलझ गए हैं और अपनी सरकार गंवा दी। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है इस देश के अंदर। कांग्रेस को हमेशा हम देखें, वो देश को जातियों में बांटना चाहती है। जब भी किसी जाति की बात आती है वो आगे आ जाती है, और कोई हिंदुइज्म की बात करे तो सांप्रदायिक चिल्लाने लगते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।